चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ आप उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि छोटे बच्चों को पेट में दर्द होता है तो उसके लिए आप घर का इलाज क्या करेंगे, यानी उसके घरेलू इलाज कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि छोटे बच्चों के पेट में जब दर्द होता है तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और घर वाले भी सब परेशान हो जाते हैं कि बच्चा हमारा क्यों रो रहा है। अब दोस्तों, पेट दर्द का कोई समय तो होता नहीं है कि कब रात में दर्द होने लगे या दिन में दर्द होने लगे। तो चलो, दिन में दर्द हो रहा तो आप डॉक्टर को दिखा आएंगे जाके, और दोस्तों अगर रात में दर्द होने लगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई दवाइयाँ भी नहीं है। तो दोस्तों उस समय आप बच्चे के पेट का दर्द कैसे सही करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पेट का दर्द सही करना है बच्चे का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम से घरेलू नुस्खा बता रही हूँ कि आप कौन सा नुस्खा यूज करेंगे और बच्चे के पेट का दर्द ठीक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये हींग लिया है, और दोस्तों ये हींग आपको आपके घर में मिल जाएगा। दोस्तों जो ये हींग सभी के मसालदानी में होता है, और आपको आपकी किचन में ये हींग मिल जाएगा, आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस हींग से ही आपको पेट दर्द का सॉल्यूशन बताएंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल, और अब हम ले लेंगे ये गुनगुना पानी। ये दोस्तों हमें गुनगुना पानी लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये पानी हमको गुनगुना ही लेना है। आप गुनगुने पानी को लेकर के आप सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप एक चुटकी हींग डाल दें, एक चुटकी से आप बिल्कुल ज़्यादा हींग ना लें। आप इस तरीके से देखिए, आप चुटकी एक चुटकी ही हींग लें, आप एक चुटकी हींग आप बाउल में ले लें इस तरीके से। और अब इसमें आप एक चम्मच, यानी कि इस हींग में हम एक चम्मच पानी ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने, आप दोस्तों हींग इतनी ही लें, इससे ज़्यादा हींग बिल्कुल ना लें। तो यहाँ पे देखिए, एक चम्मच हम यहाँ पे पानी ले रहे हैं, ये देखिए इस हींग में अब हम एक चम्मच गुनगुना पानी डाल देंगे, और इस हींग को अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों जैसे जैसे आप हींग और पानी को मिक्स करेंगे, वैसे वैसे इस हींग का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि पानी का कलर चेंज हो जाएगा। तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि हींग हमारी मिक्स हो चुकी है, अच्छे से घुल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पानी को हटा दे रही हूँ, और इसको अच्छे से और मिक्स करूँगी। दोस्तों हमें इस हींग और पानी को तब तक मिक्स करना है कि इसमें एक भी फुटकी ना रह जाए, यानी एक भी फुटकी, यानी हींग का एक दाना भी ना रह जाए, तब तक आप इसको अच्छे से घोलती रहिए, हमें बहुत अच्छे से घोलना है। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर, हींग का कलर चेंज हो गया है, आप देखिए ये हमारी हींग पूरी तरह से घुल चुकी है। यहाँ पर मैंने पूरा लिक्विड तैयार कर लिया, यानी हींग और पानी का लिक्विड तैयार करना है आपको। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है हींग और पानी। अब मैं आपको अपने हाथों में बता रही हूँ कि आपको बच्चे के पेट में किस तरीके से लगाना है हींग को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चम्मच हटा देंगे, और अब इस बाउल से हम ये हींग का पानी हम लेंगे इस तरीके से, और बच्चे की जहाँ पे नाभि है, यानी पेट में जहाँ पे नाभि होती है, उस नाभि में हम इस टाइप से एक बूंद ये हींग का पानी डाल देंगे, एक बूंद दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बच्चे के पेट की नाभि में हम एक बूंद हींग का पानी डालेंगे, और उसके बाद में हम इस पानी को पेट के, यानी नाभि के आसपास इस तरीके से आप लगा दें, पेट की नाभि के आसपास आप इस तरीके से हींग का पानी आप लगा दें बच्चे को। दोस्तों इस टाइप से आप हल्के हाथों से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप मसाज कीजिए, यानी हींग का पानी आप लेते जाइए, हाथ सूखा बिल्कुल ना लगाएं, हींग का पानी लेके आप उसी के ऊपर धीरे धीरे पेट पर, पूरे पेट पर आप लगा दें।
इस हींग के पानी को दोस्तों, तो आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे को तकरीबन 5 मिनट में ही पूरा आराम मिल जाएगा पेट में, पेट के दर्द में पूरा आराम मिल जाएगा दोस्तों। इस टाइप से आप बच्चे को हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा 2 से 3 मिनट, तो दोस्तों आप खुद देखेंगे इससे होगा क्या मसाज से कि हींग का पानी बच्चे के पेट के रोम छिद्रों द्वारा ये हींग का पानी बच्चे के पेट में जाएगा दोस्तों, और इससे बच्चे का बाव भी घूमेगा, पेट का बाव घूमने लगेगा और गैस पास हो जाएगी बच्चे के पेट की, तो दोस्तों इससे पेट का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दोस्तों इस हींग के पानी से बच्चे के पेट का हाजमा भी अच्छा हो जाएगा और पेट बिल्कुल दर्द, पेट का दर्द बिल्कुल चला जाएगा दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, मैंने ये बिल्कुल आपको घरेलू नुस्खा बताया है और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर नुस्खा है, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है दोस्तों। इससे पेट का दर्द 5 मिनट के अंदर गायब हो जाता है दोस्तों, आप खुद देखेंगे जब इसको यूज करेंगे दोस्तों, इस हींग को जब यूज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।